महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने रहस्यमय तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई अपराधी या बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मृतक के परिवार की 2 महिलाएं हैं। चलिए आपको बताते हैं महिलाओं ने इस जघन्य हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया और इसके पीछे का मकसद क्या था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए, क्योंकि शुरुआत में घर पर उन्हें पेट दर्द और दस्त शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे शरीर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे जहर ने उन्हें प्रभावित किया कि गंभीर हार्ट से संबंधित बीमारियां हो गई और सही इलाज न मिलने की वजह से मौत हो गई। वहीं इस मामले में एसपी नीलो तपल ने आगे बताया कि घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी संगमित्रा कुंभारे नाम है और दूसरा उनकी दूसरे रिलेटिव रोजा रामटेके, इन दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की। एक हैवी मेटल पॉइजन यूज़ किया और पिछले 20 दिन में इस पॉइजन के यूज़ के कारण धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होती गई और प्राइमरीली फूड पॉइजन के सिम्टम होने के कारण डॉक्टर भी डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रीज़न है डेथ की। तो उसमें आगे की तपास करने पे गढ़चिरौली पुलिस को ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये 2 महिलाओं ने उनको पॉइजन दे करके, अलग अलग किसी को नॉनवेज में, किसी को दाल में और किसी को पानी में मिला करके पॉइजन दे करके उनकी हत्या की। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक के बाद एक 5 लोगों की 20 दिन के अंदर मौत हो गई। एक ही परिवार में 5 सदस्यों की अचानक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई, दोनों महिलाओं पर नजर रखनी शुरू की। जब महिलाओं पर शक हुआ तो कठोरता से पूछताछ की गई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण घरेलू हिंसा और पैतृक विवाद है, इसी वजह से दोनों महिलाओं ने एक खौफनाक साजिश रची। संगमित्रा कुमारी जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसके पिताजी ने 5 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से वो थोड़ी डिस्टर्ब रह रही थी और उसके घर वाले ससुराल वाले उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसके पति भी उसके साथ मारहाण कर रहा था। इससे त्रस्त होकर के उसने इनको जान से मारने की ऐसी नियोजन की। और दूसरी जो एक्यूज है रोजा रामटेके, उसकी इन्हीं लोगों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी 4 एकड़ की पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, और उसमें उसने पूरे परिवार को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ने मिलकर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। फिलहाल दोनों महिलाएं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ।